कि आज इतने है कि सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। आज इतने है कि सागर उबाल कर रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दे। ऐ मेरे देश, तुझे मेरे जख्मों की कसम, तू जो कहे तो कलेजा निकाल के रख दे। मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रख्यात मिश्र जी को, जिन्होंने बम्बई तक अपनी कविता के झंडे गाए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर, कृपया पाठ करें और आप सभी के अंदर जो देशभक्ति की लहर प्रवाहित होनी चाहिए उसको प्रवाहित करें। श्री प्रख्यात मिश्र जी, माचार्य को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित बरेण्य कवियों साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। मैं इसलिए भी आपको प्रणाम करता हूँ कि आज देश जिस तरफ जा रहा है, देश की संस्कृति जिस तरफ जा चुकी है, कहीं भी जाओ तो तरह तरह के उत्सव होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ऑर्केस्ट्रा बजता है, कहीं कुछ, कहीं मुन्नी बदनाम भी चल रहा, कहीं शीला की जवानी चल रहा, और ऐसे माहौल में यहाँ पर सम्मेलन का एक साहित्यिक यज्ञ कराया जा रहा है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और अपने भाई को प्रणाम करता हूँ जिसने इस तरीके का अनुष्ठान, इस तरीके का यज्ञ करवाया। मैं कोच का कभी हूँ भैया, इसका ईगो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो, बेस बना दो, बढ़ा दीजिए। मैं ओज का कवि हूँ, हम ओज के कवियों पे तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम ओज के कवि ओज कब लिखते हैं? देश में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार रहा, हम मौन रहे, चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। देश में महंगाई बढ़ी, हम मौन रहे, हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, देश की अस्मिता के लिए, देश की इज्जत के लिए भात की रोटी खाकर भी रह सकते हैं। खून तब खोला सत्ता के विपक्ष में लिखने की, तब के सत्ता के विपक्ष में लिखने का तब मन किया, खून तब खोला जब इस देश के दो बेटों के शीश पड़ोसी मुल्क ने काट कर रख लिए और देश के प्रधानमंत्री को साथ कहने का प्रयास किया, चार पंक्तियां लिखने का प्रयास किया, एक हल देने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने नाना जी पंडित स्वर्गीय छैल बिहारी वाजपेयी बाण जी की चार पंक्तियों से एक समाधान देता हूँ। चाहे जितनी शिखर वार्ताएं कर लो, चाहे जितनी शांति वार्ताएं कर लो, मगर एकमात्र हल, एकमात्र विकल्प देने का प्रयास करता हूँ। अगर सच बात कहती हो तो आगे से लेकर पीछे तक एक बार तालियों का महोत्सव कर देना। मैंने चाहने की कोशिश की है, चार पंक्तियों के माध्यम से समाधान देने की कोशिश करता हूँ कि जब तक खंडित प्रतिमा भारत की बनती मूर्ति महान नहीं, जब तक खंडित प्रतिमा भारत की बनती मूर्ति महान नहीं, जब तक बैरी का मस्तक छूकर होती सफल कृपान नहीं, जब तक बैरी का मस्तक छूकर होती सफल कृपान नहीं, जब तक दुनिया के नक्शे से, जब तक दुनिया के नक्शे से मिट जाता पाकिस्तान नहीं, मिट जाता पाकिस्तान नहीं, तब तक भारत की सेना का लौटेगा एक जवान नहीं, जवान नहीं। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। जब देश के बेटे देश के लिए अपना शीश कटा रहे होते हैं तो देश की राजनीति क्या कर रही होती है? चार पंक्तियां कहना चाहता हूँ, बात अच्छी लग जाए तो दुगनी ऊर्जा के साथ तालियों की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट मेरे कानों में सुनाई दे। देश की राजनीति क्या कर रही होती है कि पांच दिनों के पंदे भी उदास हो गए थे मानो 11-11 साल उग्रवादी पालते रहे, 11-11 साल उग्रवादी पालते रहे। देश लुटता रहा और भार जो तुम्हें दिए थे, देश लुटता रहा और भार जो तुम्हें दिए थे। आप एक दूसरे पे प्रश्न डालते रहे, आप एक दूसरे पे प्रश्न डालते रहे। भारत की नीति में क्या चोरियां ही शेष बची, भारत की नीति में क्या चोरियां ही शेष बची। सिंह होते गिंगड़ों पे युद्ध टालते रहे, सैनिकों के शीश काटता रहा पड़ोसी देश। संसद में आप कुर्सियां उछालते रहे, मैं पुनः पढ़ता हूँ मगर एक बार पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट सुन लिया। भारत माता की मैं पुनः पढ़ता हूँ,
क्या उसी उत्साह के साथ सुनिएगा। प्यार पंक्ति फिर से पढ़ने का आदेश हुआ है। मैं पढ़ता हूँ कि पापियों के पंगे भी उदास हो गए थे मानो, पापियों के पंगे भी उदास हो गए थे मानो, ग्यारह ग्यारह साल उग्रवादी पाल ले रहे, ग्यारह ग्यारह साल उग्रवादी पाल ले रहे, देश लुटता रहा और भारत जो तुम्हें दिए थे, देश लुटता रहा और भारत जो तुम्हें दिए थे। आप एक दूसरे पे प्रश्न डालते रहे, आप एक दूसरे पे प्रश्न डालते रहे, भारत की नीति में क्या चोरियां विशेष बची, भारत की नीति में क्या चोरियां विशेष बची, सिंहों के गीदड़ों से युद्ध टालते रहे, सैनिकों के शीश काटता रहा पड़ोसी देश, सैनिकों के शीश काटता रहा पड़ोसी देश, संसद में आप कुर्सियां उछालते ये शीश कटाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। जब जब मातृभूमि की अस्मिता पर देश की सुरक्षा पर खतरा मनाया, देश के बेटों ने, देश के नौजवानों ने हंसते हंसते अपना शीश कटा दिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे युवा पीढ़ी एक बड़ी संख्या में उपस्थित है, चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ, देश की नौजवान पीढ़ी की ओर से पढ़ता हूँ कि ये शीश क्यों कटाने पड़ते हैं, क्यों कटाए जाते हैं ये शीश, कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, ये सर की क्यारियों को लुचने दिया नहीं, ये सर की क्यारी दिया नहीं, और ये तिरंगा नहीं झुक पाया तो क्यों नहीं झुक पाया। हर देश के पास सेनाएं हैं, हर देश के पास बेटे हैं, मगर भारत के बेटों के पास कुछ ऐसा है जो पूरे विश्व के पास नहीं है, वो है भारत के बेटों को ताकत परम पिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड लेकर तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड लेकर तू भी दोहराएगा, गोटी गोटी कट जाऊं इंच इंच कट जाऊं। और जो बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है वो उत्तर सुनकर अगर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, आपके लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो मुझे एक मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट करके बताना कि मैं गोसाईगंज की पवित्र धरती पर कब्जा कर रहा हूँ। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाडला ना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला ना पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार के लोग किस तरह कविता सुनते हैं प्रख्यात विश्व। प्रख्यात विजय के बाद कितने माला है दुनिया, प्रख्यात विजय माला माल हो गए, तीन विधिया गोसाई घर से जुड़ी रहे। दादा छैल बिहारी वाजपेयी बाढ़ एक दर्जन से अधिक बार गोसाई गंज के मंचों पर आए, सैकड़ों मंचों पर हमने उनके साथ कविताएं पढ़ी, तभी बच्चे पैदा भी नहीं थे। इसी बाजार में भैया की दुकान से थोड़ा आगे कवि सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा देवव्रत वाजपेयी जी आए थे, जब वो उत्थान पर थे, खालिस्तान में मांगो सारा हिंदुस्तान तुम्हारा है, यहाँ आप सबने सुना था, प्रख्यात के मामा जी व्याख्या मिश्रा जी विश्व बाल गोसाई गंज आई है, बालिका कॉलेज आई है, प्रख्यात की मम्मी जी व्यंजना शुक्ला जी गोसाई गंज बालिका कॉलेज कई बार आई है, वो आपकी मौसी जी, हमारे ये बच्चे आसमान छू रहे हैं। अभी कानपुर में राजू श्रीवास्तव जी ने इनके एक छंद पर ही 11,000 रुपए निकाल कर दिया और कहा भैया हमारी जेब में कुछ है ही नहीं हो रहा, आज आपकी एक अमोघ तालियां ये जरूर प्रमाण दे रही है कि गोसाई गंज के लोग वास्तव में कविता सुनते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार और जोरदार तालियां।
अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला। उस तरह मैं आपको यही बताना चाहता था कि अध्यक्ष जी ने बहुत 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 आशीर्वाद दिया और ये सिद्ध हो गया कि प्रख्यात जी को कविता जो मिली है वो जन्म से मिली है। जन्म में जिस समय हम लोगों को छुट्टी दी जा रही थी उस समय प्रख्यात भैया को कविता और साहित्य किया जा रहा था। मुझे फिर से पढ़ने के लिए आदेशित किया जा रहा है। मैं यही पंक्तियां फिर से पढ़ता हूँ और आशा करता हूँ कि दुगनी ऊर्जा और दुगने उत्साह के साथ आप सुनेंगे। पुनः सुनाने का प्रयास करता हूँ कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे वंशजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे वंशजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। मोटी मोटी कट जाऊं इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं मोटी मोटी कट जाऊं, लाड़ला न पुर को की नाक को कटाएगा, लाड़ला न पुर को की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, बैठी हुई है मंच पर। मैं प्रणाम करता हूं, एक तुलना करने की कोशिश करता हूं, दो बलिदान याद दिलाता हूं, एक जियाउल हक का, एक मथुरा में हेमराज जी का। मैं दोनों की शहादत को प्रणाम करता हूं मगर एक तुलना करने का प्रयास करता हूं, एक मौलिक टिप्पणी करने का प्रयास करता हूं। बात अच्छी लग जाए तो पूरा समय मुझे आशीर्वाद दे। एक पत्नी जिसने अपने पति की मौत पर सरकार के सामने एक मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया, मेरे परिवार के 5 लोगों को नौकरी, मुझे पीपीएस रैंक की नौकरी, मेरे पति के नाम पर एक गांव का निर्माण, मुझे 25 लाख रुपए, और एक मां जिसने सरकार के 25 लाख रुपए पर ठोकर मार दी और कहा कि अगर कुछ लाकर दे सकते हो तो मुझे मेरे बेटे का सर ला दो। ये अंदर है इस देश की, इस देश में। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, मातृशक्ति के नाम पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने पूछ दिया कि इनका जवान बेटा शहीद हो गया है इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, उस माँ ने जो उत्तर दिया मैंने उसे एक छंद में समझे, एक छंद में पिरोया और वो छंद आपके सामने रखता हूँ। बात अच्छी लग जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। भैया इसका इनको फिर से बंद कर दो, आपने खोल दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। उस माँ के उत्तर को मैंने एक छंद में रखने का प्रयास किया है कि कंचन न कामिनी कुबेर के भंडार नहीं था हमारे पास, नहीं कुछ भी गवाने को था हमारे पास, नहीं कुछ भी गवाने को। माथे में सिंदूर था वो मातृभू को दे दिया था, माथे में सिंदूर था वो मातृभू को दे दिया था। माटी ही बची है सिर्फ भाल में सजाने को, माटी ही बची है सिर्फ भाल में सजाने को। रोती नहीं इसलिए पुत्र है हुआ शहीद, रोती नहीं इसलिए पुत्र है हुआ शहीद। कर्जवा भी बाकी है स्वदेश का चुकाने को, कर्जवा भी बाकी है स्वदेश का चुकाने को। एक बेटा भारत की शान पे लुटा दिया है, एक बेटा भारत की शान पे लुटा दिया है। काश एक और होता देश पे लुटाने को, देश में ऐसा साहस ऐसी शक्ति ऐसा ओज हो, फिर भी उस देश के प्रधानमंत्री को किसी अपने ही क्षेत्र में किसी अपने ही प्रदेश में तिरंगा फहराने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है वहां के मुख्यमंत्री से। स्वतंत्र रूप से हम तिरंगा नहीं फहरा पाते, आलोचना नहीं करता, आश्वस्त करना चाहता हूँ। देश की नौजवान पीढ़ी की ओर से देश के प्रधान से बात करना चाहता हूँ। बात अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझे सुनाई दें। मैंने कहने का प्रयास किया है कि लाल चौक है अभिन्न अंग मेरे देश का, तो लाल चौक है अभिन्न अंग मेरे देश का, तो चौक की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा, चौक की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा। देश पे धरो जरा भरोसा मनमोहन जी, देश पे धरो जरा भरोसा मनमोहन जी। देश का जवान हर जंग जीत जाएगा, देश का जवान हर जंग जीत जाएगा। कैप्टन मनोज वर्ष पाठ की प्रथा पे देश, कैप्टन मनोज वर्ष पाठ की प्रथा पे देश। बलिदानियों की बड़ी रीत दोहराएगा, बलिदानियों की बड़ी रीत दोहराएगा। एक बार सेना को आदेश दे के देखिए तो, एक बार सेना को आदेश दे के देखिए तो, इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएगा, इस्लामाबाद में। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, एक छोटी सी कविता आपके बीच रखकर के अपनी जगह लूंगा। पूरे देश में
अभी भारत रत्न दिए गए सबने, कई लोगों के नाम प्रस्तावित किए, पूरे देश से नाम निकल के आए, किसी ने लता मंगेशकर जी का नाम दिया, किसी ने सचिन तेंदुलकर जी का नाम दिया, पूरे देश ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, मैंने भी एक नाम देने का प्रयास किया। अगर लगे कि आजाद भारत में जो पहला भारत रत्न दिया जाना चाहिए था वो इसी नाम को दिया जाना चाहिए था, तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बताएं कि मैं सच कह रहा हूं और ये देश की आवाज है। किसे भारत रत्न मिलना चाहिए था? कि जिसने अपने घर का को ही नूरदेश को दे डाला, जिसने अपने घर का को ही नूरदेश को दे डाला, बुझा दिया आंखों का सारा नूरदेश को दे डाला, बुझा दिया आंखों का सारा नूरदेश को दे डाला, जिनके अस्थि ढेर पर चल अपना भविष्य आबाद हुआ, जिनके अस्थि ढेर पर चल अपना भविष्य आबाद हुआ, उनका लहू बहा तब जाकर के भारत आजाद हुआ, उनका लहू बहा तब जाकर के भारत आजाद हुआ। देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का ये प्रयत्न किया होता, देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि प्रयत्न किया होता, देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि प्रयत्न किया होता, वीर चंद्रशेखर की माँ को भारत रत्न दिया होता, वीर चंद्रशेखर की माँ को भारत रत्न दिया होता, वीर चंद्रशेखर की माँ को भारत रत्न दिया होता। मगर भारत रत्न तो दिया जाना दूर, शायद ये जानकारी आपके बीच पहली बार पहुंची हो। मेरे कमल भाई फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक का प्रयोग करते हैं, सोशल मीडिया के संपर्क में रहते हैं, उन्हें यह उनके पास ये जानकारी होगी, ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जिस स्थान पर, जिस कुटिया में चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया, जहां वो खेले, जहां उन्हें देशभक्ति के संस्कार मिले, उस कुटिया को गिरा दिया गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आक्षेप करती रही, मगर मैंने कहने की कोशिश की कि अगर एक चाय वाले के घर पर बुलडोजर चलवा दो तो कल एक देश, एक गांव, एक जिला, एक प्रदेश में चक्का जाम कर दिया जाता है। मगर आज उन शहीदों की तरफ से भूलने वाला कोई नहीं था, तो एक भी आवाज नहीं उठी। मैंने एक आवाज उठाने का प्रयास किया है, अगर लगे कि एक दिन ये देश की आवाज बनेगी, अगर लगे कि संसद में बैठे बहरों के कानों तक एक दिन ये आवाज पहुंचेगी, तो आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले। मैंने कहने की कोशिश की है कि दिल्ली की गलियों में कितने राजमहल देखे हमने, दिल्ली की गलियों में कितने राजमहल देखे हमने, दिल्ली की गलियों में कितने राजमहल देखे हमने, जन्नत के दर से भी सुंदर ताजमहल देखे हमने, जन्नत के दर से भी सुंदर ताजमहल देखे हमने, यूं तो अंदर से लेकर के बाहर तक सब खाली थी, यूं तो अंदर से लेकर के बाहर तक सब खाली थी, लेकिन उस कुटिया की जग में सच में छटा निराली थी। देवलोक के सभापति भी यदि धरती पर आते, देवलोक के सभापति भी यदि धरती पर आते, और क्या कीमत थी इस देश के लिए, उस कुटिया की बताने का प्रयास किया है कि देवलोक के सभापति भी यदि धरती पर आते, देवलोक के सभापति भी यदि धरती पर आते, खुद कुबेर भी उस कुटिया की कीमत नहीं लगा पाते, खुद कुबेर भी उस कुटिया की कीमत नहीं लगा पाते। और क्या था उस कुटिया के पास ऐसा जिसकी कीमत नहीं लग सकती? भैया इसको बंद कर दो, आवाज पलट के कानों पे आ रही है, बिल्कुल बंद कर दीजिए। खुद कुबेर भी उस कुटिया की कीमत नहीं लगा पाते, ऐसा क्या था उस कुटिया के पास कि उस कुटिया में मातृममता का सागर लहराता था। एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट करके आदेशित करिए। क्या विशेष था उस कुटिया के पास, मैंने बताने का प्रयास किया है, संपत्तियां क्या थी कि उस कुटिया में माँ की ममता का सागर लहराता था, उस कुटिया में माँ की ममता का सागर लहराता था, जिसका जल गंगा माँ के जल पर भारी पड़ जाता था, जिसका जल गंगा माँ के जल पर भारी पड़ जाता था, उस कुटिया में भगीरथी के जैसा योगी रहता था, उस कुटिया में भगीरथी के जैसा योगी रहता था, भारत माता के चरणों का सच्चा जोगी रहता था, जिसने भारत को आजादी का सपना दिखलाया था, जिसने भारत को आजादी का सपना दिखलाया था, जिसने भारत को आजादी का सपना दिखलाया था, भारत का परचम लंदन की छाती पर लहराया था, भारत का परचम लंदन की छाती पर लहराया था। उस कुटिया में एक वचन बिल्कुल अनमोल लिखा देखा, और क्या था उस कुटिया के पास जिसकी बराबरी, जिसकी तुलना कोई राजमहल, कोई ताजमहल नहीं कर सकता, उसके पास क्या ऐसा था कि उस कुटिया में एक वचन बिल्कुल अनमोल लिखा देखा, उस कुटिया में एक वचन बिल्कुल अनमोल लिखा देखा, उस कुटिया में एक वचन बिल्कुल अनमोल लिखा देखा, उसकी दीवारों पर वंदे मातरम बोल लिखा देखा, उसकी दीवारों पर